संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी NSDFDC ने 2021-22 में 1.6 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिनमें से 1,30,000 यानी तकरीबन 74% अनुसूचित जनजाति लाभार्थी महिलाएं शामिल थी। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है।